Take care. Yeah. वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ एक नई वीडियो। तो पहली जो वीडियो थी इससे पहले वाली वो हम सोनभद्र पहुँच गए थे और मामा जी का जो भोग था 10वें दिन इस दुनिया में नहीं रहे, जैसे आपको बताया आर आई पी मामा जी के बारे में बताया था मैंने। तो अब क्या है कि इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे जितने भी मेहमान वगैरह थे हमारे वो अपना अपनी घरों की तरफ जाने लगे थे, तो वो मैंने थोड़ा शूट किया था, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। आप चलो वीडियो में देखो, फिर वापस आते वीडियो के साथ। सेवा हो रही है, ये दीदी लोग अभी जाने वाले हैं और जीजू लोग जाने वाले हैं, तो इनके लिए खाना पैक किया जा रहा है। हमारी कल की ट्रेन है और कल की ट्रेन हम पकड़ेंगे। तो अभी ये देखो नाश्ता किया जा रहा है। ये सनी बेटा वो डायलॉग कर दो एक बार, वही वाला मामा मैं तो दोस्तों हम अभी आ गए हैं स्टैंड पे, बस जहाँ पे रुकती है और वहाँ पे आ गए। तो दोस्तों ये सारे वो लोग हैं जो बंगाल, वेस्ट बंगाल और झारखंड वाले रूट के हैं, वो आज जा रहे हैं और हम लोग कल जाएंगे। तो अभी जैसे गाड़ी में हम पहुँचा रहे हैं और मैं छोड़ने आया हूँ नज़दीक पे ये जगह जहाँ पे हम लोग बस में उनको चढ़ाएंगे। और सरदार जी कहाँ जा रहे हैं आप बताइए, कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली हम जा नहीं रहे हैं। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, उसको समझ नहीं आ रहा है, बताइए पढ़ के। ये बेबे मेरी जान बापू, अरे हम मुझे आती है, सब्सक्राइबरों को नहीं आती ना। बेबे मेरी जान बापू लाल जहान, ये बस भी आ गई है और ये बस आ रही है और हमारी जनता चढ़ने के लिए रेडी। तो बस को हाथ दिखाया जाए और बस बस ने देख के राइट साइड ले लिया है, तो चलो चढ़ जाओ। तो दोस्तों ये सारे लोग वही झारखंड और बंगाल के हैं जो आए थे और वो सेकंड डे मॉर्निंग में अभी जा रहे हैं और हम लोग अगले दिन जाएंगे और अभी इनको चढ़ाते हैं। ये लोग ना सिर्फ पाठ के लिए आए थे जो पाठ हो चुका है, अब समाप्ति के बाद जा रहे हैं सारे के सारे। आप देख सकते हो बस ही भर गई पूरी की पूरी और जीजू लोग भी हैं, पीछे बैठे हैं जीजू लोग। हाँ हाँ जी बोलिए, ठीक है मिलते हैं फिर जलंधर पंजाब मिलेंगे। ओके जी, ओके बाय, टेक केयर। तो दोस्तों अभी ना शाम का टाइम हो गया था, तो हम थोड़ा ना बाहर ऐसे टहलने आए थे, शाम ही हो गई थी, रात हो गई थी, तो वहाँ पे एक मार्केट थी, तो लोकल मतलब हाट लगता है जिंदा, मतलब सब्जी मार्केट लगता है, तो बहुत नज़दीक पे वहाँ पे हम लोग देखने गए क्योंकि सोनभद्र पहली बार आए हैं, तो हमने सोचा कि हम देखते हैं। तो जब मैं आया वहाँ पे तो मैंने देखा कि और जो मेरा बाबू है हर्ष, उसने भी मतलब कि उसको मैंने वो डाब खरीद के दिया, वो पी रहा था वहाँ पे, है ना। तो वो बहुत अच्छा लगा, बहुत यूनिक सा था और वो अलग अलग दुकानें ऐसी हमारे पंजाब में चीज़ें नहीं मिलती हैं कभी, तो वो चीज़ मैंने जो ऑब्जर्व करी, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको भी मैं शेयर करूँ वो चीज़। तो दोस्तों मैं आपको ये मार्केट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि हमारे पंजाब में इस तरह की मार्केट नहीं होती है, छोटी छोटी दुकानें और नीचे लेके बैठे हुए हैं और ना बहुत सारी खाने पीने की चीज़ें और हफ्ते में एक दिन यहाँ पे मंडी जिसे कहते हैं छोटी सी मंडी लगती है, तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, तो इसलिए मैंने उसकी वीडियो बनाई आप लोगों के लिए। अकाउंट में दे दो मजा आ लिया तो भाई साहब ये जो वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ ये है मैन मेड पहाड़।
दोस्तों ये सारी डंपिंग करके खुद पहाड़ बनाया गया है, ये यहाँ इससे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। तो इकलौता मुझे लगता है ना इस इंडिया में पहाड़ होगा जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, और इतनी डंपिंग हुई है जो मतलब खदानें खोदी जाती हैं उसी डंपिंग से वो पहाड़ बनाया गया है। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है आई थिंक क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आई थिंक आ रहा होगा। तो ये है मैन मेड, सो दिस इज़ अ मैन मेड माउंटेन। जैसे ये नेचुरल होता है, नेचुरल क्लाइमेट से बनता है, पर ये वो चीज़ नहीं है, ये खुद डंपिंग करके बनाया गया है, जो कोल माइंस होती हैं, जो खदानें होती हैं, जो उसकी जितना भी ना वेस्टेज होता है, जो हाँ जो बाहर निकलता है उजुरियत वगैरह जो भी मिट्टी होती है, उससे ये पूरा का पूरा पहाड़ बनाया गया है। सो बहुत यूनिक है, तो मैंने देखा तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। सो आप देख सकते हो ये बिना प्लान ट्रेज प्रोजेक्ट है और उसका वो डंप यार्ड है। We'll be right back.